आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस में टूट नजर आई। कांग्रेस में कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। सदस्यता ग्रहण कराने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, हर बूथ को कांग्रेस से मुक्त करवाएंगे। एक तरफ कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव मैदान में मजबूती के साथ उतरने की बात करती है, संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती है, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ता कांग्रेस को चकमा देते हुए भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस महामंत्री हर्षित गुरु, कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश रघुवंशी, कांग्रेस नेत्री रश्मि पांडे, पार्षद अनुज गुरु, रश्मि मिश्रा, दीक्षा सोनी, पार्षद विशाल शंकुल, पार्षद गौरव पालीवाल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एवं बीजेपी नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इतना ही नहीं, सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात बीडी शर्मा ने तो कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि हम हर बूथ को कांग्रेस से मुक्त बना देंगे। आपने भी जो नौजवान ने ज्वाइन किया हर्षित भाई ने, आपने देखा उन्होंने क्या कहा कि 500 सालों का संघर्ष और संघर्ष करोड़ों करोड़ हिंदू करोड़ों करोड़ भारतीयों ने जो संघर्ष किया 500 साल में, इंतजार कर रहे थे कि रामलला विराजमान होंगे और जब मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रयासों से ये समय आया तो कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नकार दिया। इतना तुष्टीकरण, इतनी दोहरे चरित्र की राजनीति, इसलिए उसका जवाब देश का नौजवान दे रहा है। आपने देखा कि किस ताकत के साथ नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मध्य प्रदेश के अंदर हम हर बूथ को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे और ये नौजवान इस बार मध्य प्रदेश के अंदर हर समाज वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को 29 की 29 सीटों में, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हर बूथ पर 370 मत पिछले चुनावों से ज्यादा ला करके हर बूथ जीतने के संकल्प को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज हजारों नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।